आज शनेश्वरी अमावस्या का विशेष पर्व है, जो कि शनि मंदिर पर शनिवार के दिन जब भी अमावस्या होती है तो उसे शनेश्वरी अमावस्या कहा जाता है। शनेश्वरी अमावस्या के दिन यहाँ पर दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, आकर के यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, शिप्रा शाता और गंडकी नदी का त्रिवेणी संगम है। यहाँ आने के पश्चात वह स्नान इत्यादि करते हैं, स्नान इत्यादि करने के पश्चात वह अपने जूते चप्पल इत्यादि मंदिर पर यहाँ पर नदी घाट पर छोड़ते हैं। माना जाता है कि जूते चप्पल और कपड़े छोड़ने से जो शरीर में दारिद्रता रहती है, जो रोग दोष रहते हैं, वह सब निवारण होते हैं और शनि महाराज की कृपा प्राप्ति होती है, शनि महाराज उससे प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आकर के श्रद्धालु भगवान मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं, तेल अभिषेक करते हैं, जो उनका दान होता है काला उड़द तिल कोयला नमक जो भी इत्यादि दान करते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। शनेश्वरी अमावस्या का योग विशेष योग जो भाद्र मास में आया है, तो ये 14 वर्ष के बाद आया है, जो भादो मास में जब पड़ी है, साल के अंतिम है। और बड़े ही हर्षोल्लास से यात्री आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बढ़िया पब्लिक चल रही है, दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं और भगवान का अभिषेक पूजन अत्यधिक चल रहा है। भव्य भगवान का श्रृंगार हुआ है और अनेक संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर भंडारे भी रखे गए हैं। आज नवग्रह शनि मंदिर पर शनिचरी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है और यही इस पर्व का काफ़ी विशेष महत्व है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद में शनिदेव महाराज के दर्शन करते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने अपने पुख्ता प्रबंध किए हैं। नदी घाट को देखते हुए हमने वहाँ पर विशेष तैराक दल, साथ ही साथ नाव बोट की व्यवस्था और लाइफ जैकेट लाइफ गार्ड की तैनाती की है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के हिसाब से हमने यहाँ पर होल्डअप बनाए हैं और अलग अलग तरीके से उनको जिगजैग में डाल करके वहाँ पर हमने सुरक्षा की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही साथ हमारी पेट्रोलिंग निरंतर सभी जगह पेट्रोलिंग कर रही और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसलिए हमने ट्रैफिक का भी एक डिप्लॉयमेंट प्लान किया है, जिसमें हैवी ट्रैफिक जो इंदौर से आने वाला या उज्जैन से हैवी ट्रैफिक इंदौर तरफ जाने वाला, दोनों ही ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किए हैं और इस रोड पे हमने सिर्फ 2-व्हीलर और 4-व्हीलर छोटी डाली है, जो कि सिर्फ श्रद्धालु गण आ रहे हैं और उनकी भी पार्किंग की हमने सुगम व्यवस्था की है और निरंतर सुचारू रूप से श्रद्धालुगण आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।